गूगल प्ले स्टोर में पेटीएम की वापसी हो गई है। एक बार फिर गूगल प्ले स्टोर से ये डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो गया है। कंपनी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। इससे पहले गूगल ने शुक्रवार को कहा कि उसने पेटीएम ऐप को खेलों में सट्टेबाजी संबंधित गतिविधियों पर अपनी नीति के उल्लंघन के चलते प्ले स्टोर से हटा दिया है। पेटीएम ऐप को डाउनलोड या अपडेट नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस ऐप के मौजूदा उपयोगकर्ताओं पर फिलहाल कोई असर नहीं हुआ। गूगल ने शुक्रवार को एक ईमेल के जवाब में कहा, ऐप को प्ले नीतियों के उल्लंघन के चलते ब्लॉक किया गया है। हमारी नीति के संबंध में आईपीएल टूर्नामेंट से पहले आज एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है। गूगल ने ये भी कहा कि इस कदम से केवल प्ले स्टोर पर ऐप की उपलब्धता प्रभावित होगी और इसके उपयोगकर्ताओं पर कोई असर नहीं होगा। इस बीच पेटीएम ने एक ट्वीट किया कि नए डाउनलोड या अपडेट के लिए पेटीएम एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। कंपनी ने कहा ये ऐप बहुत जल्द प्ले स्टोर पर वापस आ जाएगा। आपका पूरा धन पूरी तरह सुरक्षित है और आप अपने पेटीएम ऐप का सामान्य रूप से प्रयोग कर सकते हैं। पेटीएम डिजिटल लेन देन की एक लोकप्रिय ऐप है। गूगल ने शुक्रवार को एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि वह खेलों में सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले ऐप की इजाजत नहीं देता है और ऐसे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। भारत में आईपीएल जैसे प्रमुख खेल आयोजन से पहले इस तरह के ऐप बड़ी संख्या में लॉन्च किए जाते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग का नवीनतम सत्र 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होने वाला है। गूगल ने ब्लॉग पोस्ट में कहा, हम ऑनलाइन कैसीनो को अनुमति नहीं देते हैं या खेलों में सट्टेबाजी की सुविधा देने वाले किसी भी अनियमित जुआ ऐप का समर्थन नहीं करते हैं। इसमें वे ऐप शामिल हैं जो ग्राहकों को किसी ऐसी बाहरी वेबसाइट पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं जो धनराशि लेकर खेलों में पैसा या नगद पुरस्कार जीतने का मौका देती है। ये हमारी नीतियों का उल्लंघन है। ब्लॉग पोस्ट में ऐसा कहा गया है कि ये नीतियां उपयोगकर्ताओं को संभावित नुकसान से बचाने के लिए हैं। गूगल ने ये भी कहा कि जब कोई ऐप इन नीतियों का उल्लंघन करता है तो उसके डेवलपर को इस बारे में सूचित किया जाता है और जब तक डेवलपर ऐप को नियमों के अनुरूप नहीं बनाता उसे तब तक गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया जाता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।